दादू हम कब जाएंगे शहर? बेटा शहर में क्या रखा है, यहाँ हमारी खेती बाड़ी है, अपना गांव है, अपने लोग हैं। पर चिंटू के पापा तो कह रहे थे कि गांव में अब कुछ बचा ही नहीं। बेटा हम देश के किसान हैं और कृषि ही हमारी जीविका है। अगर किसान गांव और खेती छोड़ देगा तो फिर अन्न कौन उपजाएगा? देश की तरक्की और हमारी तरक्की खेती करने में ही है। पर बाबूजी अब खेती में सच में कुछ भी नहीं बचा है, पहले जितनी पैदावार नहीं होती और फसल के उचित दाम भी नहीं मिलते हैं। आकाश अब बड़ा हो रहा है, खर्चा भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारी आमदनी उतनी की उतनी है। सुना है शहर में बहुत मौके मिलते हैं, आमदनी भी अच्छी हो जाती है। बाबूजी हमें भी तो समय के साथ बदलना चाहिए ना। ये शहर की चकाचौंध सिर्फ टीवी और मोबाइल पे ही अच्छी लगती है बेटा। क्या शहर में ऐसी खुली हवा मिलेगी? वहां अपने लोग होंगे? घर बार खेती बाड़ी छोड़कर शहर जाना कोई समझदारी की बात नहीं है। बाबूजी हम अपने बच्चे को खेतों में मजदूरी करते हुए नहीं देखना चाहते। वो पढ़ रहा है, समझदार है, उसका भविष्य अच्छा होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बने और कहीं अच्छी जगह काम करे। भाऊजी अब मान भी जाइए ना, साले साहब हमारे लिए शहर में एक नौकरी देख रहे हैं। एक अच्छी नौकरी मिलते ही हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी शहर चले जाएंगे। क्या ये सच है कि अब गांव में कोई भविष्य नहीं है? कृषि क्षेत्र में रहकर तरक्की मुश्किल है। इसी सोच के कारण निरंतर हमारे कई किसान भाई गांव को छोड़कर शहर में जाके बस रहे हैं। ग्रामीण आबादी का अगर शहर की तरफ ऐसा ही रुझान चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे कृषि उत्पाद पर इसका असर देखने को मिलेगा और हमारी देश की फूड सिक्योरिटी के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर देगा। कृषि से उद्योग की ओर रुझान का प्राथमिक कारण है कि फसलों की उत्पादकता बढ़ नहीं रही, संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हो रहा है, मंडी से किसान भाई दूर रहते हैं और बिचौलियों की वजह से उन्हें फसल के अच्छे दाम नहीं मिल पाते। ऐसे और अनेक कारण हैं जिनकी वजह से किसानों की आमदनी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो अब किसानों के पास विकल्प क्या है? सच्चाई तो यह है कि कृषि क्षेत्र पर सरकार का बहुत ध्यान, नए बीज, नई तकनीकी, साइंस और टेक्नोलॉजी से कृषि क्षेत्र को जोड़ना, इन सब पर भारत में बहुत काम हो रहा है ताकि किसान भाइयों की आमदनी में वृद्धि हो और उन्हें जीविका के नए अवसर प्राप्त हो सके। ये तभी मुमकिन है जब शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाया जाए। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कई निजी व्यवसाय ग्रामीण युवाओं को इस क्षेत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं ताकि वो इस क्षेत्र में मौजूद जीविका के हर अवसर को अच्छे से समझ सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। इस सब एजुकेशन में सबसे बेसिक एजुकेशन जो है वो स्कूल बेस्ड एजुकेशन है और वो 9 से लेकर 12 के तक के जो स्टूडेंट रहते हैं वो उस स्टूडेंट के पीछे अगर हमारी शक्ति उनमें लगाएंगे तो वो जो यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो सोच रहा है कि मैं इंजीनियरिंग बनूंगा या वो कुछ भी आगे जाके ये खेती के अलावा दूसरी लाइन जो सोचता है वो डाइवर्ट होगा और वो खेती में ध्यान देगा। तो बड़ी देर हो गई, आकाश नहीं आया स्कूल से अभी तक। आज उसके स्कूल में कुछ खास लोग आने वाले हैं जो बच्चों को बताएंगे कि अच्छा भविष्य कैसे बनाया जा सकता है। बस ऐसे ही समझदारी से हमारा बेटा बढ़ता रहे तो एक दिन जरूर इंजीनियर बन जाएगा। हरे लो आ गया आकाश। आकाश और क्लास कैसी रही तुम्हारी? बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ सिखाया गया, बहुत सारे विषयों के बारे में बताया गया। अच्छा पर सीखा क्या? चलिए आज जो मैंने सीखा उसी के ऊपर आपसे सवाल पूछता हूँ। मुझे बताइए हमारे यहाँ कितने मौसम है? गर्मी का मौसम, जाड़ा का मौसम, बरसात का मौसम। अब इन्हें कृषि के भाषा में क्या कहेंगे? दादू आप मत बताना। अच्छा तुम ही बता दो बेटा। इन तीनों को कृषि के भाषा में खरीफ,
रबी और जैद कहते हैं। पर तुम कृषि के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आज जीवन में आगे बढ़ने के बारे में जो सिखाया गया वो बताओ ना। अरे मम्मी, क्लास जीवन में आगे कैसे बढ़े उसी की ही थी। कृषि के क्षेत्र में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो बताया गया। कृषि के इतिहास से लेकर क्या भविष्य है सब कुछ बताया गया। आज की आवश्यकता है कि मिडिल और सीनियर स्कूल के छात्रों को कृषि संबंधी विषयों से अवगत कराया जाए, कृषि और उससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विषय में उन्हें जानकारी दी जाए, ताकि वो अच्छी शिक्षा हासिल करके न सिर्फ एक उन्नत किसान बल्कि एक अच्छे एग्रीप्रेन्योर या एग्री स्पेशलिस्ट बने। कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे हमारी जो धरोहर बोलते हैं हम, एग्रीकल्चर बोलते हैं जिसको, सबसे एक पुराना कल्चर बोलते हैं। और अपॉर्चुनिटीज तो इतनी हैं कि वो जो ग्रामीण लड़के अगर कृषि का कोई अभ्यासक्रम पढ़ेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम है वो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का 4 साल का हमारा जो अभ्यास कार्यक्रम है वो 12वीं कक्षा के बाद है। उस BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का भी अभ्यासक्रम है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का भी अभ्यासक्रम है, उसी तरह से हमारा फूड टेक्नोलॉजी का 4 साल का अभ्यासक्रम है, इंटरनेशनल जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है जो एक बड़ा नया आयाम आके उभरा है, और एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो भी एक 4 साल का अभ्यासक्रम चल रहा है। तो इसी के बाद जब उनका बैचलर का जो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसके बाद एक तो वो अनुस्नातक में अभ्यासक्रम में प्रवेश ले सकते हैं मास्टर डिग्री के लिए, और PhD लेवल तक के अभ्यासक्रम हमारे यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। तो वो जो साइंस के साथ का जो नॉलेज है उसका उपयोग जो अपनी ही वो खेती में करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से उसका जो प्रोडक्शन ले सकते हैं और आर्थिक तौर से ज़्यादा विकास कर सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। मैंने तो तय कर लिया है, मैं खेती से संबंधित कुछ करूंगा। कहां हम सोच रहे थे कि बेटा इंजीनियर बनेगा, अच्छा कमाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा, पर इसने तो हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। अरे मम्मी, कृषि सिर्फ खेतों में हल चलाना और मजदूरी थोड़ी है, अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें काफी विकास हो रहे हैं। मैं कृषि में पढ़ाई लिखाई कर एक अच्छी नौकरी भी ले सकता हूँ। बेटा ये तो हमारी समझ के बाहर है, खेती में कैसा विज्ञान, तुम खेती में अपना भविष्य कैसे बनाओगे? मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब कल मिल जाएगा। हमारे स्कूल कल हमें एक फील्ड ट्रिप पे ले जा रही है, मम्मी आप लोग भी चलो ना हमारे साथ। क्या होगा जाकर, हमारा तो माथा खराब हो जाएगा। अरे मम्मी चलो तो सही। बिना कल मुझे खेती में बहुत सारे काम हैं। बेटा इतना कह रहा है, एक बार जाकर देख तो लो। हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कृषि की, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि कृषि से संबंधित कई सारे डिग्रियाँ देते हैं, और विभिन्न विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज आजकल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिग्री दे रहे हैं, जिससे कि आप नई नई पद्धति वहाँ से सीख सकते हैं और उसको कृषि में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे देश में स्टार्टअप भी आ गए हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, फूड प्रोसेसिंग है उसमें आजकल बहुत ज़्यादा ही देख रहे हैं कि आप ग्रोथ हो रही है, और भारत सरकार के अनेक ऐसे प्रोग्राम आ गए हैं जिसमें राज्य सरकार के साथ वो मिलके ऐसे बहुत से कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे कि किसान अपनी इनकम दुगनी कर सकता है। युवाओं के लिए एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। किसानी के अलावा जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, तो जो अगर कई जगह पे टोमेटो पैदा हो रहे हैं, कई जगह पे पोटैटो पैदा हो रहे हैं, कई जगह पे ग्राम पैदा हो रहे हैं, तो उसके छोटे बड़े जो उद्यम और जो वैल्यू एडिड का प्रोसेसिंग का प्लांट किसान अपने खेत में ही लगाए,
कुछ किसान इकट्ठा होके लगाए। आप अगर कोई आपका खेती में प्रॉब्लम है तो आप कृषि वैज्ञानिक का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में संपर्क कर सकते हैं। कृषि करने में जो लागत लगाते हैं वो लागत अगर कम करें और यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो वो दो मिला के आय दुगनी होगी। एक एग्रीकल्चर बेस्ड जो बच्चे हैं गाँव में, क्योंकि ज़्यादातर तो सब किसानों के बेटा है बेटियाँ है, तो वो इतना ही सोचते हैं कि भाई हम शहर में जाएंगे तो हमारे को अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन इसके बजाय ये भी एक काफ़ी बड़ी बात है कि जो बच्चे को पता नहीं है कि भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर और इसके संबंधित जो कॉलेजेस हैं उसमें अगर उनको एडमिशन अगर लेते हैं वो, तो उनको डिग्री लेने के बाद ठीक है उनको अगर जॉब करना है तो वो जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन अभी गांव में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, उनके पास इतनी एवेन्यूज है कि वो गांव में भी अच्छा काम कर सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेस कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट है वो शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, खुद की खेती भी करके उसमें से भी अच्छी तरह से वो कमाई कर सकते हैं। अभी ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, और इस टाइप के जो प्रोडक्ट है वो मधुमक्खी का पालन है, तो हनी का प्रोडक्शन करके भी वो काफ़ी आगे आ सकते हैं। पोल्ट्री का है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, तो इस तरह से छोटी डेयरी है तो डेयरी का भी अच्छा एक बिजनेस है। भारत में कृषि क्षेत्र की संभावनाएं निरंतर बढ़ रही और आने वाले समय में साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से और बहुत विकास होगा और रोजगार के नए विकल्प होंगे। हमें बस जरूरत है आज की युवा पीढ़ी को सही शिक्षा देना। कृषि के कई अलाइड यानी संबंधी विषय हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी फार्मिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, प्लांट साइंस, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश एंड फिशरीज, एपिकल्चर, टिश्यू कल्चर, सेरीकल्चर, मशरूम कल्टिवेशन, वेटिनरी आदि। हम पहले एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, पर यहाँ पर आए और बहुत सारे एग्रीकल्चर्स के बारे में हमें पता चला, हमें उनकी जानकारी दी गई, तो हमें पता चला कि एग्रीकल्चर भी कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, एग्रीकल्चर करने से भी कोई आगे बढ़ सकता है। कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव हो रहा है। पहले शहर की और पढ़ी लिखी लड़कियाँ इस क्षेत्र से दूर रहती थी, क्योंकि सबका मानना था कि इसमें फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से लड़कियों के लिए उचित नहीं। पर प्रोत्साहित करने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में अब लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को और इस देश को सशक्त कर रही हैं। दादू, अरे लो आ गया मेरा लाडला, आ जा मेरे शेर। तू इन सबको बताएगा कि तूने वहां जाकर क्या क्या देखा। वाह, कितनी चीजें देखने को मिली। हाँ बाबूजी, विज्ञान के प्रयोग से किसानों को कितना फायदा हो सकता है वो वहाँ दिखाया गया। मिट्टी के जांच से लेकर बुआई सिंचाई हर विषय को वहाँ विज्ञान से बताया जाता है। मीना बेटा, तुम तो आकाश को इंजीनियर बनाना चाहती थी। वो तो मैं अब भी चाहती हूँ बाबूजी, पर ये सपना तो कृषि क्षेत्र में भी पूरा हो सकता है। कृषि में पढ़ लिख कर कृषि साइंटिस्ट, कृषि इंजीनियर बना जा सकता है। गांव में रहकर खेती बाड़ी से जुड़कर भी बहुत तरक्की की जा सकती है बाबूजी। और दादू, मैंने तो सोच लिया है, मैं ये सारी चीजें अपने दोस्तों को समझाऊंगा। जब हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तभी तो गांव और खेती बाड़ी का विकास होगा ना। कृषि यानी एग्रीकल्चर सोसाइटी का बेडरॉक रहा है। अगर इकोनॉमी एक पेड़ है तो कृषि उसकी जड़ है। जब तक एग्रीकल्चर ठीक ठाक है तब तक पेड़ ठीक है। सस्टेनेबल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फुल सर्कुलरिटी आर नाउ बज़वर्ड्स। चलो इस वर्ष हम सब ये प्रण लें कि हम सब हमारे विलेजेस में, हमारे गांवों में खुशहाली और तरक्की लाएं। भारत आज भी गांव में बसता है, देश की आर्थिक संपन्नता आज भी कृषि पर निर्भर है और भविष्य में भी
कृषि से देश की संपन्नता जुड़ी रहेगी। मतलब ये कि हमें गांवों को समृद्ध करना, ये तभी संभव है जब सरकार के सहयोग से युवा पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करें। युवा पीढ़ी को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करना, उन्हें शिक्षित और सशक्त करना ही कृषि और हमारे गांवों के समृद्धि की सही दिशा है।